अर्न अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अर्न अकेडमी। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम विद आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा छोटा सा परिचय, नाम नवीन शर्मा, एनआईटी इलाहाबाद से इंजीनियरिंग करने के बाद 2013 में गेट क्वालिफाई करा विद ऑल इंडिया सिक्स रैंक। केंद्र सरकार में मैं आज की तारीख में कार्यरत हूँ। यूपीएससी में 16-17 दो बार क्वालिफाई करा था। उसका अनुभव आपको आरएएस की मेंस की राइटिंग स्किल में जो बैच स्टार्ट होगा हमारा प्रीलिम्स के बाद में पूरा फोकस किया जाएगा। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो क्लाइमेट चेंज पर आधारित है इससे मैं आज भी जुड़ा हूँ और टोटल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस आरपीएससी और यूपीएससी एग्जाम्स का 5 साल का रहा है, जिसमें कि विशेषतः ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मैंने यहाँ पर गाइड किया है। तो हमारे डिफरेंट कोर्सेज समय समय पे आते रहते हैं आरपीएससी के सारे एग्जाम्स के लिए, आरएसएमबी के सारे एग्जाम के लिए। लेट सपोज सक्षम बैच आया, फिर आपके गरुड़ गरुड़ हमारा प्लान आया एसआई के लिए, जब एसआई का एग्जाम भी रिसेंटली हुआ था। इन सभी एग्जाम्स की तैयारी अन अकेडमी के प्लस कोर्स पे करवाई जाती है, चाहे वो आरएस तो मेन टारगेट है ही हमारा, फिर एसआई, पटवार, रीड, हेडमास्टर, वन रक्षक, जूनियर इंजीनियर, जेवीवीएनएल, रीड की परीक्षा, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, ये सब की तैयारी अन अकेडमी के प्लस पे करवाई जाती है। तो आप जब गूगल के प्ले स्टोर से अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको विंडो खुलेगी, यहाँ पे आरपीसी कोर्स का चयन कर सकते हैं। चयन करने के बाद में आप देख सकते हैं अन अकेडमी के हमारा ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल इकोनॉमिक बेसिस पे ऑपरेट करता है। हम कभी नहीं चाहते किसी भी छात्र का आर्थिक नुकसान हो, हम समझते हैं उसकी वैल्यू। तो 2 साल की फी, 2 साल की फी की कॉस्ट है लगभग 8,400 रुपये, और उसमें भी मेरा कोड NAV10, इफ़ यू यूज़ माई कोड NAV10, यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आपकी 2 साल की फी हो जाएगी लगभग 7,560 रुपये। उसी प्रकार 1 साल की फी है आपकी 7,000 रुपये, आपने यूज़ करा कोड NAV10, तो आपकी फ़ी हो जाएगी 6,300 रुपये। इस फीस को आप क्रेडिट कार्ड से इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी पे कर सकते हैं। 1 साल की जो किस्त लगभग 550 बैठेगी, 2 साल की आती है लगभग 350 रुपये। तो आप कंपेयर कर सकते हो इस फी को तमाम ऑफलाइन सेंटर्स और अदर ऑनलाइन जो आपके प्लेटफॉर्म है जोधपुर में, उदयपुर में या जयपुर में आके यदि आप पढ़ते हैं किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से, तो आपको कोचिंग के अलावा तमाम खर्चे जो है वहाँ बियर करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, घर बैठ के आप सारे एजुकेटर्स के PDF, वीडियो सब देख सकते हैं। तो तमाम काम मैंने किए, आप मार्च, इससे पहले तो ACF पे काम कर रहा था मार्च में, फिर आपका ये जो RS का इंग्लिश मीडियम का बैच आया था हमारा, उसमें मैंने काम किया, इंडियन ज्योग्राफी वहाँ पे कवर किया, तो इंडियन जियो पूरा कंप्लीट यहाँ पे कवर किया था अनअकैडमी के प्लस पे। फिर विजय बैच आया हमारा, ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल युद्ध की थीम पे, मेरे साथ में तमाम हमारे एजुकेटर साथी एजुकेटर्स थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच था। यहाँ पे भी हम सभी ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे काम किया, इसको भी आप मेरा कोड NAV10 यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। राजस्थान इकोनॉमी का बैच आया 17 अगस्त से, यहाँ पे भी प्रीलिम के हिसाब से कुछ बातें की, वो भी आप देख सकते हो। और आज की तारीख में एक बैच चल रहा है मेरा रीजनिंग और मैथ्स प्लस करंट अफेयर का, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। अनअकैडमी पे कोई बंदिश नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन कभी भी लो, पुराने सारे लेक्चर्स किसी भी एजुकेटर के आप देख सकते हो कोड NAV10 यूज करने के बाद। तो डिस्काउंट साथ ही सभी एजुकेटर के कोर्ट से मिलता है, मेरे कोर्ट से, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे गाइडेंस, मैक्सिमम बेनिफिट कंटेंट के थ्रू मैं दे सकूं। तो साथियों प्रयास करते रहिए, समय कम बचा है और इस समय जरूरत है बिल्कुल एकदम शॉर्ट में कंप्रेस करके चीजों को पढ़ने का। तो वही मैंने काम जो कल क्लास स्टार्ट किया था, वन लाइनर का, अभी मैं और भी टॉपिक्स के वन लाइनर लेकर आऊंगा, लेकिन ये पॉलिटी के वन लाइनर की बात हो रही है। तो बिल्कुल ईमानदारी से अर्जुन की तरह मछली की आग पे निशान रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये खास बात। तो देखिए साथियों, ये आपका राजस्थान का आरपीएससी का पॉलिटी का जो सिलेबस है, आरपीएससी का राजस्थान पॉलिटी के अंदर डिफरेंट सेगमेंट, मैंने एक सेशन लिया था अभी कुछ दिनों पहले, शायद एक हफ्ते पहले, जिसमें मैंने काफ़ी टॉपिक्स के बारे में बात की थी। कल जो सेशन हुआ जो आपने देखा, जिसमें कि हमने कुछ इंस्टीट्यूशन के वन लाइनर डिस्कस की, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोकायुक्त, उसके अलावा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और उसके अलावा आरपीएससी, ह्यूमन राइट कमीशन और इलेक्शन कमीशन, तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था वन लाइनर, आज मैं इन तीनों के वन लाइनर, इंपॉर्टेंट वन लाइनर डिस्कस करूंगा, सीधी बात नो बकवास के पॉइंट से।
शुरू करते हैं। देखिए ये जो आपका जिन्होंने नहीं देखा है, कल इस तरह से हमने काम किया था, मानव अधिकार संशोधन जो आपके अधिनियम आया उसकी बातें, प्री प्री एग्जाम को धामे रखते हैं, प्रीलिम्स को धामे रखते हैं। तो वन लाइनर, ये टाइमर चलेगा आपका यहाँ पे, और जो ही सवाल यहाँ पूछा गया है उसके बाद आप कमेंट में जवाब देंगे, अदरवाइज उस समय सीमा के बाद में वो वहाँ पे डिस्प्ले बॉटम में डिस्प्ले हो जाता है। तो कल जो क्लास हुई थी हमने 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 यहाँ पे डिस्कस किया था मानव अधिकार आयोग के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आपका माध्यम कोई भी हो, हमेशा शिकायत रहती थी आप लोगों की इंग्लिश में रहता हूँ हिंदी में लेके नहीं आता, तो मैं इस बार हिंदी में कवर कर दिया। देख सकते हो आप, पूरा कंटेंट मैंने हिंदी में कवर किया था, किसी छात्र को दिक्कत ना। प्री एग्जाम में तो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेंस में जरूर फर्क पड़ेगा, तो वहां पे अपन दोनों में बात करेंगे प्री एग्जाम के बाद में। तो देखिए साथ इस तरह ये आप टाइम खत्म होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आपका जवाब, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज इट विल गेट डिस्प्ले। तो ये मैंने कल डिस्कस कर लिया था, तो कल कई बातें की थी हमने, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे वन लाइनर हमने डिस्कस किए थे कल की क्लास में। मानव अधिकार आयोग की बात की थी, स्टेट इलेक्शन कमीशन के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स के बारे में बात की थी। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो सब चीजों को, ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिमेनिंग जो आपके इंस्टीट्यूशन बच गए राजस्थान पॉलिटी के, उसके सिलेबस के अनुसार कुछ और तथ्य फैक्ट्स, वन लाइनर एग्जाम के फोकस को। लास्ट मैंने कल यहाँ पे एंड किया था, एडवोकेट जनरल राजस्थान के फर्स्ट कौन थे? जी सी कास्लियावाल साहब, जी सी कास्लियावाल। शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक आपका। देखिए ये है आपका लोकायुक्त से मैंने स्टार्ट किया, टाइमर यहाँ पे चल रहा है, पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। लोकायुक्त संस्थान द्वारा किन के विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती? लोकायुक्त संस्थान द्वारा किन के विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती, ये बताना आपको। आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए, ये सवाल आरएस मेंस में भी आ चुका है, आरएस प्री में ऐसे पूछता है, इन चारों पांचों में से कौन से व्यक्ति है जिनके खिलाफ लोकायुक्त शिकायत नहीं ले सकता है, जांच नहीं कर सकता है, तो आपसे ये पूछा गया। तो अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख के, जितना भी जानते हैं लिस्ट है, एक लिस्ट है इसकी, पर जो आप जानते हैं बताइए। लोकायुक्त किन के विरुद्ध शिकायत नहीं दर्ज कर सकता है, ना ही जांच कर सकता है? समय साम साथी हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टाइम लिमिट में आप जितना है कमेंट कीजिए। एक ये सवाल आरएस मेंस में भी आ चुका है, पुलिस में तो कई बार पूछ चुका है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वो लिस्ट, ये कंप्लीट लिस्ट है जिसके खिलाफ ना तो लोकायुक्त जांच, ना ही आपका लोकायुक्त यहां पे शिकायत दर्ज कर सकता है। तो एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, ये जो आपका लोकायुक्त उप लोकायुक्त का जो एक्ट है 1973 का, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि किन के खिलाफ जांच करेगा, किन के खिलाफ जांच नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो हमारे मुख्यमंत्री साहब उनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता, फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधिपति हैं या न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ भी ये जांच नहीं कर सकता। कोई न्यायिक सेवा का सदस्य, मैंने उस लास्ट एक हफ्ते पहले जो क्लास थी पॉलिटी की उसमें डिस्कस किया था, तो कुछ लोगों ने ये कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि वो लिस्ट हमें प्रोवाइड करो, तो ये लिस्ट मैं आपके ले आया हूँ जिसमें कि इनके खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। मान के चलिएगा एक सवाल प्री में इसमें से पूछता है और मेंस में भी आया, इसी बार 18 वाली परीक्षा में मेंस से पूछा गया था। तो न्यायिक सेवा का सदस्य, न्यायिक सेवा का जो सदस्य है उसके खिलाफ भी ये जांच नहीं कर सकता। भारत में किसी भी न्यायालय के अधिकारी अथवा कर्मचारी, को न्यायालय के अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उनके खिलाफ भी किसी भी न्यायालय का, वो अगर वो आपका कोई व्यक्ति किसी और कोर्ट में राजस्थान के अलावा दूसरे कोर्ट में जज है लेकिन रहने वाले राजस्थान के हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ पे जांच नहीं की जा सकती। कोई अधिकारी है तो दूसरे न्यायालय में कार्यरत है, उसके खिलाफ भी जांच नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ जांच हो नहीं सकती है। महालेखाकार, CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड अकाउंट ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, ये जो आपकी बड़ी एक संवैधानिक संस्था है आर्टिकल 149 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, इसके खिलाफ भी जो है आपका जांच नहीं कर सकता CAG। CAG बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा CAG एक संवैधानिक संस्था, जांच चाहे भले ही वो महालेखाकार जो आप विभाग देखेंगे सेक्रेटरीट सचिवालय के पास में, जांच नहीं हो सकती है। जो महालेखाकार राजस्थान, राजस्थान ये CAG के जो ये जो उसका विभाग है जो राजस्थान में जो बैठते हैं वो अधिकारी, उनके खिलाफ जांच नहीं हो सकती है। फिर आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य, जो
तो लोकसभा आरपीएससी के चेयरमैन हो, आरपीएससी के मेंबर हो, उनके खिलाफ भी लोकायुक्त में प्रावधान नहीं है इस एक्ट के अंदर कि जांच कर सके, तो यहां भी जांच नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ राजस्थान के जो आपके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बॉडी है, मुख्य निर्वाचन जो उसके आयुक्त हैं, और उसके अलावा यदि आप देखोगे जो जो हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की भी जो बॉडी है, उनके भी यदि सदस्य राजस्थान में रहते हैं तो उनके खिलाफ भी जांच नहीं, निर्वाचन आयुक्त हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, इनके खिलाफ जांच नहीं हो सकती है। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो आपका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उसके खिलाफ भी आप जांच नहीं कर सकते हो, ये प्रावधान इस एक्ट में लिखा हुआ है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी, विधानसभा सचिवालय सेक्रेटरीट, जो सेक्रेटरीट जो विधानसभा के सेक्रेटरीट है, विधानसभा के सेक्रेटरीट है, उसके अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ भी आप जांच नहीं कर सकते हैं। एक विशेष प्रावधान देखो यहाँ पे, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनके तो आपके प्रमुख हो, प्रधान हो, उप प्रधान हो कवर्ड है, पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों के। लेकिन जब बात सरपंच की होती है, जब बात पंच की होती है, तो इसकी मांग कई बार उठी, बल्कि खुद जो है लोकायुक्त जो रहे हैं पुराने, उन्होंने भी कई बार कहा था कि इनको जोड़ो इस दायरे में, एक्ट में। तो सरपंच और पंचों के खिलाफ शिकायत लोकायुक्त के पास आती थी, लेकिन वो कभी जांच कर नहीं पाया, ना शिकायत दर्ज कर पाया। तो ये बात उठती रही है कि जब पंचायत समिति उससे ऊपर की बॉडी है, जब जिला परिषद उससे ऊपर की बॉडी है, उनके खिलाफ जब जांच का लोकायुक्त में प्रावधान है उस कानून के अंदर, तो सरपंच और पंच को क्यों छोड़ा गया है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, याद रखिएगा इसको। विधायक, जो हमारे विधायक है, उनके खिलाफ भी जांच नहीं हो सकती है, बल्कि जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके खिलाफ भी जांच का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। वो उसके इस एक्ट के तहत लोकायुक्त के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आते। और लास्ट आपका सेवानिवृत्त लोक सेवक, तो देखिए जो सेवानिवृत्त नहीं हुआ है वहां तो जांच का प्रावधान है, लेकिन जो सेवानिवृत्त हो गया है उसमें यहाँ पे आपका जांच शिकायत का दर्ज प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई लोक सेवक अपने उस रिटायरमेंट से पहले यदि कोई करप्शन का काम करता है, और वो जस्ट रिटायरमेंट से पहले किसी गतिविधि को अंजाम देता है, और उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद रिटायर हो जाता है, फिर जो है अगर वो केस लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज होगी तो वो उसको एंटरटेन नहीं कर सकता। ये बड़ा एक दिक्कत। तो ये सेवानिवृत्त लोक सेवक ने यदि अपने उस कार्यकाल में काम ऐसा रिटायरमेंट से पहले कुछ इस तरह की करप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उसको भी शामिल करने की कई बार मांग उठ चुकी है। तो ये कंप्लीट लिस्ट है आपकी जिनके खिलाफ लोकायुक्त अभी जांच नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, इट इज वेरी क्रिटिकल। अगला आपका नेक्स्ट वन लाइनर, भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम 1963 में किसने दिया था? लोकपाल या लोकायुक्त जो नाम है, इसकी जो शुरुआत 1966 में मुरारी देसाई के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से होती है, लेकिन उससे पहले 63 में स्वीडन में ओम्बुड्समैन की तर्ज पे लोकपाल या लोकायुक्त नाम भारत में किसने दिया था, ये आपको बताना है। टाइमर को देखते हुए जवाब देने का कमेंट में कोशिश कीजिए। तो साथियों, बहुत ही फेमस कानूनविद, कानून की समझ रखने वाले बड़े फेमस आपके भारत के कानूनविद एल एम सिंघवी साहब ने 1963 में लोकपाल या लोकायुक्त नाम की जो कंसेप्ट है ना, वो वर्ड दिया था। ये ओम्बुड्समैन, स्वीडन का ओम्बुड्समैन कंसेप्ट है, स्वीडन का जो आपका ओम्बुड्समैन कंसेप्ट है उसी की तर्ज पे, स्वीडन का जो ओम्बुड्समैन कंसेप्ट है उसी की तर्ज पे इन्होंने यहाँ पे लोकपाल नाम सुझाया था, जो एक संस्था हो लोक सेवकों की, जो भी काम होते हैं करप्शन के, मिस गवर्नेंस के, उसकी जांच कर सके। तो ओम्बुड्समैन जो कंसेप्ट था उसी की तर्ज पे ये एल एम सिंघवी साहब 1963 में बात करते हैं लोकपाल या लोकायुक्त की। हालांकि बात हुई थी, नाम दिया था, पर इसके बाद कानून आने में तो बहुत देरी हुई, जैसा कि आप जानते हैं। नेक्स्ट वन लाइनर, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश ऑर्डिनेंस राजस्थान में कब से प्रभावी हुआ?
राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश राजस्थान में कब से प्रभावी हुआ जानते हैं, तो वो तारीख और वो डेट बतानी है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखें, अदरवाइज इस टाइमर के बाद में वो डिस्प्ले हो जाएगा। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश ऑर्डिनेंस राजस्थान में कब से प्रभावी होता है? तीन फरवरी 1973, और उसके बाद में मार्च में वो प्रेसिडेंट साहब से की भी मोहर यहाँ लग जाती है। 3 फरवरी 1973 ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश आता है लोकपाल तथा उप लोकायुक्त के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में जो लोकायुक्त के जो कंसेप्ट है, उप लोकायुक्त का जो कंसेप्ट है, वो सब कुछ इस अध्यादेश में जो नियम बने हुए हैं, जो बाद में राष्ट्रपति साहब आपका हस्ताक्षर करते हैं, सारी बातें, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कौन कौन से आपके जो व्यक्ति हैं वो कवर्ड नहीं है लोकायुक्त की शिकायत में, लोकायुक्त की जांच के दायरे में, वो सब इस ऑर्डिनेंस में लिखी हुई थी बात। 3 फरवरी 1973 में ये प्रभावी राजस्थान में हुआ। वर्तमान में आज की तारीख में करंट अफेयर का क्वेश्चन, आज की तारीख में राजस्थान में कौन लोकायुक्त है? आपको सबसे पहला और उसके बाद आज की तारीख में और कौन से लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, ये तीन बातें पता होनी चाहिए। वर्तमान में कौन लोकायुक्त है बताने का इसमें कमेंट से आप जवाब दे सकते हैं। टाइमर यहां पे चल रहा है, अदरवाइज ये आंसर ऑटोमेटिक यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। प्रताप कृष्ण लोहरा जी, कई बार करंट अफेयर की मैगजीन मैंने भी कवर करा, कई बार आपने न्यूज में अखबारों में पढ़ा होगा। लोकायुक्त आज की तारीख की बात करें तो प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के लोकायुक्त हैं एज ऑफ नाउ। आगे देखते हैं राजी, अब अगेन आप जब वर्तमान देख लिया तो ये भी रट लो, ये सारे डेटा ऐसे हैं आरएसपी के लिए जो 100% इनमें से घुमा फिरा के सवाल पूछता ही है। ये है आसान, टफ नहीं है, लेकिन आप जितना याद कर लोगे, बल लेने का मतलब ये है कि इन चीजों को रट लो, अच्छे से याद कर लो, कभी ना कभी कोई ना कोई सवाल एग्जाम में और आरपीएससी के तमाम एग्जामों में इस तरह के सवाल विगत की परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, ये अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आई डी दुआ साहब, मैंने वो लिस्ट याद कीजिए, वो लोकायुक्त की मैंने लिस्ट आपसे शेयर की थी जब एक मैराथन सेशन लिया था लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम का। आई डी दुआ जो है बेसिकली ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त, याद रखिएगा ये नाम, वर्तमान और प्रथम एटलीस्ट आपको दोनों तो पता होने चाहिए। और कई बार सवाल ऐसा भी आता है कि चार ऑप्शन देके पूछता है इनमें से कौन से राजस्थान के लोकायुक्त नहीं रहे हैं, तो आपको सारी लिस्ट को एटलीस्ट एक बार देख लीजिए ताकि जब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन भी आ जाए तो आप तैयार हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल जो है बेसिकली कितना है ये आपको यहां बताना है। टेन्योर के बारे में पूछा गया है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, अगर जानते हैं तो अपना जवाब उसके टेन्योर का कमेंट बॉक्स में लिखिए।
5 साल। देखिए बीजेपी सरकार ने, अगर आप अखबार में आपने देखा हो, तो पहले एक अमेंडमेंट करके 8 साल का कार्यकाल कर दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने वापस 2019 के अंदर 8 साल से घटा के 5 साल, 5 साल का टेन्योर फिक्स कर दिया है। तो आज की तारीख में 5 साल का आपका कार्यकाल है इनका, 5 साल तक जो ये नियुक्त होते हैं लोकायुक्त, ये अपने पद पे रह सकते हैं। आगे आपका नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, किसके पास उस जो अपॉइंटमेंट लेटर देगा, कौन है वो शख्स जो बेसिकली लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राजस्थान के इस रेफरेंस में, अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखिए। सीधी बात है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है यहाँ पे, हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। एक ना एक सवाल यहाँ से इस तरह का बेसिक से फंसता है, बहुत कोई टफ ऐसी चीज नहीं है ये बिल्कुल भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है अपने आप में इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्या बोला मैंने आपसे, एक कमेटी बनेगी जिसमें मुख्यमंत्री साहब होंगे अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन जो आज की तारीख में गुलाब सिंह कटारिया साहब हैं, और तीसरा आपका हाई कोर्ट, तीसरा हाई कोर्ट नहीं, नेता प्रतिपक्ष एक्चुअली, ये लीडर ऑफ अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, उसमें पार्लियामेंट संसद की बात नहीं कर रहा है, ना ये बात कर रहा है आपकी विधानसभा की, ये नेता प्रतिपक्ष जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है उसकी बात है, वो गुलाब सिंह कटारिया साहब तो जो विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी बात नहीं है, नेता प्रतिपक्ष की बात की गई है। और तीसरा आपका हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो एक सदस्य, एक कमेटी बनती है, 3 सदस्य कमेटी, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब यहां पे आप नोट करो, मुख्यमंत्री के अलावा और कोई उस जो पार्टी सत्ता में है उनका सदस्य यहां पे नहीं है, ना ही मंत्री है, ना ही कोई आपका एमएलए है। 3 है, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, ना ही यहां पे स्पीकर है, ना ही यहां पे आपका स्पीकर है, विधानसभा के स्पीकर को भी समिति में शामिल नहीं किया गया। तो ये सलाह देंगे राज्यपाल साहब को, राज्यपाल को सलाह देंगे, और राज्यपाल उसके बाद इनका इस लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा। तो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट पे जो राजस्थान हाई कोर्ट है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, ये क्वालिफिकेशन हमारे उस लोकायुक्त जो एक्ट है 1973 का, उसमें बात लिखी गई है, इनको लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। तो नियुक्त तो राज्यपाल करेगा, हस्ताक्षर उसकी लगेगी, लेकिन लोकायुक्त जो नियुक्ति होगी उसमें एक समिति जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, तीसरे आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हैं, इन तीनों का जो ये आपका समिति के सदस्य हैं, ये सिफारिश देंगे, सलाह देंगे राज्यपाल को, उसके आधार पर वो आपका ये नियुक्ति करेगा। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं वो इस लोकायुक्त के पद पे विराजमान हो सकते हैं। तो साथियों, अब हमने जो बात की लोकायुक्त हमने कवर कर दिया, अब हम अगले पड़ाव पे आ रहे हैं जो है आपका राज्य सूचना आयुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन। देखो कुछ भी ऐसा इंग्लिश में लिखा है, अंग्रेजी में, हिंदी में मैंने बहुत से कवर किया, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा तो साथ ही हिंदी माध्यम की उनको दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, मतलब कि राजस्थान सूचना आयोग, राज्य का सूचना आयोग, उसका गठन कब हुआ था, राज्य के सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, क्योंकि सूचना आयोग भी आपके सिलेबस में है इसलिए आपको बताना है कि इसका गठन कब हुआ। टाइमर चल रहा है, अगर आप जानते हैं जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज कुछ समय बाद ये डिस्प्ले यहां पे हो जाएगा।
18 अप्रैल 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान में इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन होता है। डेट देखो, राजस्थान स्पेसिफिक एग्जाम है आरएस, तो एटलीस्ट आपको स्पेसिफिक जो तथ्य हैं राजस्थान पॉलिटिक्स के याद होने चाहिए। तो 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन ने गठन हुआ था, याद रख लेना। एग्जाम के हिसाब से ये फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे सेकंड पॉलिटी का वन लाइनर, वर्तमान में हमारे राजस्थान में कौन मुख्य सूचना आयुक्त है, कौन इस समय मुख्य सूचना आयुक्त या फिर आपके स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। ये करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस पॉलिटी का कन्वेंशनल भी इससे कवर्ड होता है। और जानते हैं जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। देवेंद्र भूषण गुप्ता जी, जो कि राजस्थान के भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी के पद पे भी रहे या आईएएस अधिकारी, देवेंद्र भूषण गुप्ता जी जो हैं वो इस समय राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, डीबी गुप्ता, डीबी गुप्ता साहब। तो याद रखना, ये पहले चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अगला सवाल, राज्य में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, मुख्य सूचना आयुक्त है, और राज्य में जो आपका सूचना आयुक्त है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भाई साइन तो राज्यपाल ही करते हैं आखिरी में, लेकिन इनके लिए भी एक समिति बनी हुई है, एक समिति बनी है, और वो समिति में कितने सदस्य हैं और वो कौन कौन है ये बताना है आपको। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, साइन उन्हीं के होंगे, हस्ताक्षर उन्हीं के होंगे, लेकिन एक समिति जो इनको सिफारिश करेगी उसमें कितने सदस्य हैं और कौन कौन है ये आपको बताना है। तो अपने जवाब अगर जानते हैं कितने सदस्य हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो साथियों, तीन सदस्यों से मिलकर समिति बनती है, जिसमें कि अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष, नंबर 1। नंबर 2 विधानसभा में, अब यहां पे देखो विधानसभा की बात कर रहा है, ठीक है, जो आपका मैं इससे पहले जो डिस्कस किया था वहां पे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष था, इससे पहले जो हमने बात की थी वो वहां पे विधानसभा की नहीं थी, नेता प्रतिपक्ष की बात थी। यहां पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर के केस में स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि विधानसभा में विपक्ष का नेता, उसके उसके एक और मेंबर यहाँ पे इस समिति का पार्ट बनता है, मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमंडलीय, मंत्रिमंडल से किसी मंत्री को भी मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे नामित करते हैं। तो एक तो मुख्यमंत्री खुद समिति के अध्यक्ष है, विधानसभा में विपक्ष के नेता जो कि गुलाब सिंह कटारे साहब, यहाँ पे आप उनको लिख सकते हो, और तीसरे मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रिमंडलीय मंत्री, तीन सदस्यों से बनके आपकी समिति बनेगी और इस सिफारिश करेगी राज्यपाल को। राज्यपाल उस आधार पे मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा इंफॉर्मेशन कमीशन से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। सवाल इसका भी पहले कई बार आरपीएससी और आरएसएमएमबी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सभी एग्जाम, अगर आप पटवार देते हो उसमें भी हेल्प मिलेगी, उसमें भी है। आरएस में तो मैंने बना ही है, लेकिन ये पटवार भी दोगे उसके अंदर भी काफी मदद मिलेगी, ये सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है। अगला आपका वन लाइनर, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं सेवा सेवा शर्तें, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें किसके समान होते हैं, किसके समान होते हैं ये आपको बताना है। जो एक्ट बना है राजस्थान का 1973 का, इसमें प्रावधान दिया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते हैं और सेवा शर्तें, जो सैलरी उसको मिलेगी और जो सर्विस के उसके रूल्स होंगे, वो किस हस्ती के समान होंगे। अगर जानते हैं तो इस फिल इन द ब्लैंक में अपना जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, अदरवाइज इस टाइमर के बाद में वो डिस्प्ले हो जाएगा।
देखिए साथी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें। राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो कि इस समय प्रेम सिंह मेहरा जी हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त उसके समान होते हैं, उसके समान होते हैं, याद रखिएगा इस बात को, इट इज इम्पोर्टेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सवाल कैसा भी आ सकता है, मैंने मेन मेन जो पॉलिटी के बनना है राजस्थान की जो संदर्भ की बात है, तो वो मैंने आपको कवर करने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ। आगे नेक्स्ट, राजस्थान लोकसभा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकतम कितने वर्ष तक अथवा उम्र के कितनी सीमा तक, जो भी पहले हो, आयोग में कार्यरत रह सकते हैं। तो ये सवाल आपका आरपीएससी का है, आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य कितने समय तक उनका टेन्योर, कितने वर्ष तक, और दूसरा कितनी उम्र तक, एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट जिसके बाद वो पद पर नहीं रह सकते, तो आपको ये बताना है कितने साल और कितनी एज लिमिट तक वो आयोग में अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं। देखिए साथियों, जवाब मिलता है आपके सामने, पहला जो फिल इन द ब्लैंक है इसका जवाब है आपका 6 ईयर्स, 6 साल तक पद पे रह सकते हैं। ऐसा बहुत कम हो पाता है क्योंकि वो जनरली 60 ईयर्स के बाद ही अपॉइंटमेंट होता है, पर ठीक है, लिखा हुआ है 6 साल तक जो है आपकी लिमिट दी हुई है, और एज लिमिट जो है वो 62, जैसे कि हमारे भूपेंद्र सिंह जी जिनकी अभी 6 साल का टेन्योर तो नहीं हुआ, मात्र अभी 1 साल ही का टेन्योर हुआ है, लास्ट ईयर अपॉइंटमेंट हुए थे, लेकिन इनका दिसंबर में इनका आपका जो 62 ईयर का जो एज लिमिट है वो लिमिट आ जाएगी, और ये इनको अपने पद से जो है हटना पड़ेगा। तो उम्र का पड़ा 62 और आपका मैक्सिमम टेन्योर 6 ईयर, इन दोनों में से जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो उसके अनुसार इसको अपने पद से हटना पड़ता है। तो 6 और 62, ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सवाल एग्जाम में पूछता है इससे। 6 और 62 को, ये अभी मैंने कल जो आपको पॉलिटी का वर्णन डिस्कस किया था वहां पे कितना था, ह्यूमन राइट का, मानवाधिकार आयोग का 70 और 3, तो मैंने आपको कल क्लास में बोला भी था कि हर बॉडी का अलग टेन्योर है, हर बॉडी का अलग आपका एज लिमिट है। एक लिस्ट बनाओ एक पेपर के अंदर, लेफ्ट साइड में उसमें सब बॉडीज के नाम, राइट साइड में टेन्योर, और एक और तीसरे कॉलम में उनकी एज लिमिट, एग्जाम से पहले पढ़ जाना, इससे आपके एक सवाल इस तरह के, एक से एक तो सवाल जनरली आ जाते हैं। तो 6 और 62 इंपॉर्टेंट रहेगा। साथियों अगला, राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। अब ये किसका लंबा रहा, छोटा रहा, ये पूछता है, तो कौन वो शख्सियत है जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा आरपीएससी के चेयरमैन के तौर पे। सभी एग्जाम राजस्थान के सभी में, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सभी में इंपॉर्टेंट है, सभी में रेलेवेंट है, सभी में सवाल इससे बनते हैं। जवाब आता है साथियों, डीएस तिवारी, एस के घोष राजस्थान के सबसे पहले चेयरमैन बने, और डीएस तिवारी साहब इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। देखो मैंने क्या कहा, 6 और 62 ना, जनरली 6 साल 62 में से 6 वाला तो अटेम्प्ट हो ही नहीं पाता, 62 वाला ही जनरली देखने को मिलता है, क्योंकि वो 60 साल में ही बनते हैं, लेकिन डीएस तिवारी साहब पहले अपॉइंट हो गए थे, तो इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। आगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अजमेर में स्थानांतरण, इससे पहले जो आरपीएससी गठित होती है वो जयपुर में था इसका हेडक्वार्टर, लेकिन इसको बाद में 1950 के बाद 1956 में, 1956 में अजमेर में इसका स्थानांतरण कर दिया गया। तो कौन सी समिति की सिफारिश पे, कौन सी समिति की सिफारिश पे इसका स्थानांतरण जो है वो आपका अजमेर में किया गया था, सोच के बताइए, वो कौन सी समिति जिसकी जिसकी सिफारिश पे आरपीएससी के जो आपका ये ऑफिस है इसका अजमेर में स्थानांतरण कर दिया गया था। जवाब दीजिए,
जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, सत्य नारायण राव समिति। सत्य नारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 1956 में 1956 में आरपीएससी जो जयपुर में था पहले इनिशियली, फिर अजमेर में इसका स्थानांतरण कर दिया गया। ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है जहां तक प्रीलिम्स एग्जाम की बात की जाती है। साथियों अगला आपका वन लाइनर, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कार्यकाल से पूर्व हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? जैसे आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा कुछ सदस्यों पे कुछ मामलों के लिए किसी ने आरोप भी लगाए, इससे पहले भी आरोप लगे, लेकिन जब इस तरह के आरोप लगते हैं या कोई ऐसी बात होती है तो उनको हटाने की बात जो लोग करते हैं अखबारों में आता है, तो उसमें ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखा भी आता है कि हटाने के लिए मैकेनिज्म क्या है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के कार्यकाल को जो है हटाने के लिए किसके हस्ताक्षर, किसकी सहमति से हट सकता है, किसे वो अधिकार प्राप्त है? साथियों राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल तो अपॉइंटमेंट करता है लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से अधिकार से ही ये सदस्य या अध्यक्ष हटाए जा सकते हैं। तो आरपीसी के अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल से निलंबित, लेकिन हमारे राज्यपाल साहब इनको निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, हटा नहीं सकते, सस्पेंड कर सकते हैं राज्यपाल, लेकिन उसको सस्पेंड करने से पहले उनको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए। तो राज्यपाल साहब सस्पेंड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश द्वारा, लेकिन जो हटाने का प्रावधान है अपने पद से कार्यकाल से हटाने का प्रावधान, बर्खास्त करने का जो प्रावधान, वो यहाँ पे राष्ट्रपति साहब को दिया गया है हमारे संविधान में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आरपीएससी हो कोई भी स्टेट पीएससी हो उसके जो आपके चेयरमैन या मेंबर्स को हटाने का जो प्रोविजन है वो राष्ट्रपति के पास रखा गया है। अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है, हटाना राष्ट्रपति के रिव्यू में आता है। ये इंपॉर्टेंट है डेटा प्रीलिम्स के हिसाब से। अगला वन लाइन साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपना इस्तीफा, देखो हटाने की बात, अब इस्तीफे की बात करते हैं, यदि वो खुद कोई चेयरमैन या कोई अध्यक्ष सदस्य यदि अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा देना चाहे किसी भी कारण से, तो वो लिखित में अपना इस्तीफा किसको देगा? अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में मार्क कीजिए। साथियों जवाब आता है राज्यपाल साहब, राज्यपाल माननीय राज्यपाल महामहिम इनके द्वारा ही या इनको ही लिखित में अपने इस्तीफे की बात जो है आरपीसी का कोई सदस्य या मेंबर दे सकता है। तो हटाना राष्ट्रपति के पास, अपॉइंटमेंट राज्यपाल साहब के पास, और यदि अपने कार्यकाल से पहले यदि कोई पद खुद छोड़ना चाहे तो वो इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेगा। ये डेटा प्री के हिसाब से अगेन काम का। एक और आपका वन लाइनर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यूनतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मतलब न्यूनतम कार्यकाल, मतलब इस अध्यक्ष पद पे न्यूनतम कार्यकाल किन का रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा था डीएस तिवारी साहब का, मैक्सिमम जो टेन्योर जिन्होंने काफी टाइम काम किया, लेकिन अध्यक्ष पद पर न्यूनतम कार्यकाल मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो कौन है जिनका सब समय समय अवधि सबसे कम समय पे समय तक आरपीएससी के अध्यक्ष पद पे वो विराजमान रहे, कौन वो आपके चेयरमैन है उनका नाम बताना है। तो जवाब आता साथियों पी एस यादव, पी एस यादव साहब राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पे इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा रहना कम रहना
और शर्तें, सेवा नियम, यही डेटा आपको पॉलिटी में, पॉलिटी तो पूरा फैक्चुअल जो देखो, एक तो इंडियन पॉलिटी है जहां पे हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं, कुछ बेसिक चीजों को समझते भी हैं। देखिए राजस्थान पॉलिटी में कुछ कुछ जगहों पे आर्टिकल्स देखने, जैसे कि मैंने बताया था आपको इलेक्शन कमीशन के केस में, फाइनेंस कमीशन के केस में जो डिस्कस किया हमने लास्ट क्लास में, लेकिन अधिकतर यहाँ पे फैक्चुअल चीजें पूछता है, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, कार्यकाल और तमाम उससे जुड़े हुए तथ्य, ये एग्जाम का पार्ट। तो ये एक छोटा सा प्रयास मेरा था, कल भी लेक्चर लिया, आज भी लिया, ये वन लाइनर है, इससे राजस्थान के हर एग्जाम में, चाहे वो आप आरएस दे रहे हो, पटवार दे रहे हो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर दोगे, सभी में फंसेगा, सभी में सवाल यहाँ से फंसता है। तो साथियों बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद इस मंच से जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। एक और इकोनॉमिक्स का भी लिया आऊंगा, कोशिश करूंगा इकोनॉमिक्स का वन लाइनर भी लिया हूँ मैं, इसका पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, हैव वेरी नाइस डे।